जनपद कानपुर देहात के विकासखंड राजपुर के ग्राम पदनपुर क्षेत्र में विगत मंगलवार को जनता की आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट संगठन की मीटिंग संपन्न की गई। गांव की आई समस्याओं को सुना गया और उनको निपटाने का भरोसा भी दिया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन आकाश शुक्ला ने किया, जहां पर संगठन के संस्थापक तौफिक रजा, राजा खान ट्रस्टी नसीम कुरैसी, महासचिव ब्लॉक अध्यक्ष राजपुर अंजलि देवी, संतोष सिंह जिला सचिव, मंजू देवी महिला अध्यक्ष, रागनी देवी, सविता देवी कानपुर नगर जिला अध्यक्ष, जिला मीडिया सचिव शिव शंकर, नरेश कुमार आदि लोग बैठक में उपस्थित रहे। संगठन की जिला अध्यक्ष रागनी देवी ने बताया, गरीब और असहाय लोगों की समस्याओं को यह संगठन निस्वार्थ भाव से सुनता है और उस पर तेजी से काम भी करता है तथा समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का भी काम करता है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से पत्रकार ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। आकाश शुक्ला, क्या कार्यक्रम ये आज का क्या कार्यक्रम? ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जनता की आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट से है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जनता की आवाज को प्रदेश लेवल तक ले जाना और जनता के जो जनता का निराकरण हो सके, यथासंभव वो निराकरण करवाना। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी, किसी भी प्रकार की कोई जनता को यदि आपत्ति होती है तो जो हमारा ये संगठन है, ये संगठन उन आपत्तियों को जनता की आवाज़ तक पहुंचाकर जल्द से जल्द उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। आपके जो टीम में पदाधिकारी हैं, इनको आप संगठन के बारे में कुछ बधाई संदेश देना चाहेंगे? बस इन पदाधिकारियों से सिर्फ कहना इतना है कि इतनी मेहनत से कार्य करें कि हमारा जो संगठन है आज प्रदेश लेवल तक है, कल विश्व लेवल तक पहुंचे। बस इतना कहना चाहता हूं अपने जो समस्त हमारे कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफिक रजा है जी। ये आपका संगठन जो काम कर रहा है, किस जी देश पे काम कर रहा है? ये समाज सेवा का संगठन है और ये सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसकी अब हम मुख्य रूप से जिम्मेदारी आकाश शुक्ला जी को सौंपने वाले हैं जी। और तो आज आप किस क्षेत्र में हैं, किस जगह मीटिंग कर? आज राजपुर विकास खंड में हैं। आज गए थे बदनपुर, तो वहाँ मीटिंग हुई हम लोगों की और वहाँ चर्चा हुई हमारे। हमारा नाम राजकुमार गौतम, वहाँ के निवासी हैं, ग्राम कांधी, और मैं इस संगठन के